सूबाई वजीर शबीर बिजारानी चयो आहे त कारूंजर जबल के वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कयो वञे। तारीखी माग ते जैन मंदिर इबादतगाहूं ऐं जंगली जीवत आहे। सिंध असेंबली में पॉइंट ऑफ आर्डर ते ॻाल्हाईंदे शबीर बिजारानी चयो त 2018 खां कारूंजर जबल ते कंहिं बि क़िस्म जी लीज़ न ॾिनी वई आहे। सिंध सरकार कारूंजर जबल जी लीज़ न ॾींदी ऐं न वरी खोटाई जी इजाज़त ॾिनी वेंदी। मैंने सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चली, जो अखबारात में न्यूज़ आई हैं, जो सोशल मीडिया पे नेटवर्क पे जो जो चीज़ें आई हैं, उनका खदशा ये था कि कारूंझर जो हमारी एक हेरिटेज साइट है, जिसके लिए 2016 में मेरे ख्याल से हमारे कल्चर डिपार्टमेंट ने यूनेस्को को भी लिखा है और वहाँ पे अपना हमने केस जमा कराया है कि कारूंझर माउंटेन रेंज एक हमारी हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को भी अडॉप्ट करे और उसको एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तब्दील किया जाए। हमारा डिपार्टमेंट का कतहन ये मकसद नहीं था कि कारूंझर का जो माउंटेन रेंज है, जो नंगर पार्कर शहर का दिल है, नंगर पार्कर में ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है जिसमें हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पे मंदिर हैं, जैन मंदिर है, उनके और मुख्तलिफ इबादत गाहें हैं। उसके अलावा वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के कई जानवर हैं। उसके इर्द गिर्द हमारे स्मॉल डैम्स हैं। जो जो बातें वो थी वो सारी एक रिपोर्ट बना के हमारे पास वो पेश की गई है, वो रिपोर्ट भी मेरे पास है। उस रिपोर्ट को हमने अब कैबिनेट में लेके जाना है और कैबिनेट से हम ये फैसला लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले 2018 से कारूंझर में कोई भी ग्रेनाइट की लीज़ पे काम नहीं हो रहा। वहाँ पे एक लीज़ अलॉट की गई थी कोहिनूर लीज़ के नाम से, जो कि बाद में सबलेट की गई थी एफ